दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर पे हवा चाहिए, उनके दामन के घर। सबके बेटे अपने माँ बाप की तरफ से अल्लाह के घर की ईंट दे रहे हैं। मस्जिद साहब ने भी अपने वालिद और वालदा की तरफ से 1100 रुपये में एक ईंट हदिया की है। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप जोर से जवाब। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हो गया बापू, आप लोग बैठ बस बैठ बाबू, हो गया क्योंकि अभी मौलाना की तकलीफ भी हो, बस एक मिनट के लिए बैठ छोटू, हो गया ना, तो बैठो जनाब अब्दुल कादिर बाबू के चचाजाद, जनाब मरहूम गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ से उनके बेटे चांद बाबू ने मस्जिद में जितना इलेक्ट्रिक का सामान लगेगा पूरा उसमें चौखट दरवाजा सब इलेक्ट्रिक में जितना तार वायर सॉकेट पाइप स्विच मजदूरी खुद कर, क्या बात है। आप सोचिए कितनी लगन से और कितना शानदार सामान मार्केट से छांट छांट के लाएगा। बहादुरपुर वालों, अब ये बात समझ में आ गई कि कोई तो है जो कहीं जंजीर हिला रहा है, कोई तो है कि कहीं जंजीर हिला रहा है। जनाब मोहम्मद परवेज बाबू अपनी दादी और वालदा की तरफ से 500 में एक ईंट हदिया की, अल्लाह को पर। अब एक ईंट मैं चाहता हूँ पूरा मजमा मिल करके रसूले पाक की बेटी सैयदा फातिमा के नाम से ले। अरे हजरत माशाल्लाह मौलाना यार साहब ने कारण शुरू किया। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, जोर से कहां गया पहला, बीच में आके नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूलल्लाह, खासदार औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, खासदार दीवाने और आशिकों के हौसले नहीं तोड़े जा सकते, और बलियादी तो दो जुमले दो टुक कहता है। इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकी का मजहब है, और जब इश्क के जब आशिक मैदान में उतरता है तो न बाजुओं की फिक्र करता न सरों का ख्याल करता, उसके सरों में तो सिर्फ एक सौदा होता है कि मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा दे, करबला वाला हुसैन मुस्कुरा दे, नन्हे अली असगर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, हसनैन करीमैन कह दे नाना जो जंग हमने छोड़ी थी उसी कड़ी की लकीर को इसने आगे बढ़ाई थी। तब जमाना कहता है गुंबदो मीनार से नहीं हौसलों से, गुंबदो मीनार से नहीं हौसलों
इस्लाम पूरे आलम में फैला है, वरना गूंगे पत्थरों की गवाही कौन किस अदालत में सुनता है। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है कि गूंगे पत्थर भी मुस्तफा की अदालत में खूब बोला करते हैं। सुभान, अब बैठ जाओ, दुआ कर लो, फिर अगला प्रोग्राम समाप्त कर वो आप बताते चलिए, वो आपका काम है। बस इदारे शरिया का हाल ये हजरत कि मुझसे झाड़ू दिला लो, जो काम कराना करा लो, पैसा मत दो। मौजिन साहब अपने अहलिया के नाम से 500 रुपया दो। जनाब मौजिन साहब अपनी अहलिया की तरफ से भी 500 रुपया। सवाल बस दुआ करना, अल्लाहुम्मा आमीन, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا الله يا رحمان يا رحيم بولنے میں کوئی خطا بھول چکتی ہو گئی ہو मेरे मौला अपने फजल व करम से माफ फरमा दे। या अल्लाह मैं नहीं जानता तेरे बंदों ने तेरे घर के लिए, या अल्लाह मैं नहीं जानता तेरे बंदों ने अपनी औलादों की रोटियां कम कर दी है कि जरूरतों को कुचल दिया। मौला मैं नहीं जानता, या अल्लाह सबके दिलों का राज तू जानता है। रब्बी खदी इस यकीन और इस ईमान के साथ तेरे बंदों ने तेरे घर की तामीर के लिए जो अटूट कुर्बानियां दी है, ए अल्लाह तेरी रहमत का वादा है, रब्बुल जलाल तेरी रहमत का वादा है। तेरा बंदा तेरी तरफ हिचकियां लेके कदम आगे बढ़े, मौला तेरी रहमत से आज 10 कदम आगे बढ़कर घटे लगा लेती। ये अल्लाह तेरे बंदों ने जो अपने वालिदैन के मरहूमी के सारे सबाब के लिए तेरे घर के लिए ईंट खरीदी है, मेरे परवरदिगार मैं गुनहगार, मैं सियाकार, मैं मुजरिम और नाकारा हूं। ये अल्लाह मेरे रब अपने महबूब की नालायक पाक के सदके इन गरीब बंदों की इसके कबूल फरमा दे, कबूल फरमा दे, कबूल फरमा दे, ए अल्लाह कबूल फरमा दे। ए अल्लाह गैब से रोजी में बरकतें अता फरमा, गैब से रोजी में बरकतें अता फरमा, और ऐ करीम मरहूमीन की कब्रों को कुशादा फरमा दे, कुशादा फरमा दे। ए अल्लाह जब शराबी का बेटा तुझे रहमान करके आवाज दे तो रब्बे जलाल तेरी रहमत पुकार पड़े, फरिश्तो तुम गवाह बन जाओ, फरिश्तो तुम गवाह बन जाओ, मरने वाले के बेटे ने मुझको रहमान कहा है, मेरी रहमत को ये मंजूर नहीं कि जिसका बेटा मुझे रहमान कहे उसका बाप आजाब में मुब्तला हो। ये अल्लाह बड़े यकीन बड़े ईमान के साथ तेरे बंदों ने अपने खून पसीने की कमाई तेरे घर की तरफ बढ़ा कर तेरी रहमत को आवाज दिया है। अल्लाह मेरे जवानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, मौला करीम चारों तरफ अंधेरा है रब्बे जलाल,
जमीन तंग की जा रही है, अरसे हयात छोटा किया जा रहा है। अल्लाह हमारी कौम की औलादों को समझता फरमा दे, समझता फरमा मौला, समझता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल रोटियों के टुकड़ों के लिए न जाने कितने दूर दूर गए। अल्लाह किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का पोता, किसी का नवासा, किसी का शौहर कई रोजियों के लिए गया है। अल्लाह जहां हो उसकी हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले बारा कुन मुस्तकीम, माफी या तनाउदु वज्या कनस्ताईन, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह मस्जिद के जितने अराकीन मुआमिनीन मुंतज़मीन, या अल्लाह सबकी कमाईयों में खूब बरकतें अता, हासिदीन की हसद से बचा, साहिलों की सहद से बचा, या अल्लाह शातिरों की शर से बचा। रब्बे ज़ुल जलाल हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमा, हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा, सुकून अता फरमा, अमन अता फरमा। या अल्लाह ईमान के साथ इज्जत की जिंदगी अता कर दे, ईमान के साथ इज्जत की जिंदगी अता कर दे। मौला जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के ज़हनों को कुशादा फरमा दे, कुशादा फरमा दे। या अल्लाह हज़रत अल्लामा इलियास साहब के बाजुओं में और ताकत अता फरमा, और ताकत अता फरमा। या अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा, मकबूले आम बना दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इतनी मोहलत, इतनी हिम्मत, इतने वसाइल दे दे मौला कि अदारे शरिया की तहरीक को मैं आगे बढ़ा सकूं। अल्लाह जो मंसूबा है मेरा कि मैं कादरी 50 बनाऊं, हमारे बच्चे मुफ्ती आलिम हाफिज के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर भी बनकर निकले, डॉक्टर इंजीनियर भी बनकर निकले, डॉक्टर इंजीनियर भी बनकर निकले। या अल्लाह हमारे बिहार में अमन सुकून अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमा। या अल्लाह हासिदीन की हसद से बचा दे, शासिरों के शर से बचा दे। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحابه وزبياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم.